नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गुड लिविंग वाले गार्डन के साथ। और दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी बहुत सुंदर गर्मियों के प्लांट के ऊपर है। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास उस पर कमेंट भी आ रहे हैं। और बिल्कुल दोस्तों, अब गर्मियों में अगर वो वाला प्लांट नहीं लगाया ना, कम से कम वो वाला नहीं लगाया तो ये समझ लो कुछ लगाया ही नहीं। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है वो। और दोस्तों, समर में मुझे नहीं लगता हर घर में मतलब ये प्लांट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जहां तक मैंने देखा है कि कोई और कुछ लगाए ना लगाए, इस प्लांट को तो सब लगाते ही लगाते हैं। और चाहे दोस्तों हमने अपने कॉमन से प्लांट भी लगा रखे हो, उनके साथ भी इसको लगा लेते हैं। और आप इस वाले पौधे को चाहे आप बड़े से बड़े गमले में लगाओ, छोटे से छोटे में लगाओ, अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाओ, जहां मर्जी लगा लो इसको, तो आपकी अपनी इच्छा है। तो आज का हमारा प्लांट है दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज का हमारा प्लांट है दोस्तों पोर्चुला का पर्सलेन। मतलब ये सारी सुकुलेंट की वैरायटी जो फ्लावरिंग करती हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इतना आसान है इसको लगाना और इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी जल्दी होती है और जल्दी से फ्लावरिंग पे भी आ जाता है ये। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ जो मेरे बहन भाई हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारी जो प्लांट है वो हेल्दी चल रहे हैं लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही या बर्ड्स नहीं बन रही, वैसे पत्ते वगैरह सब ग्रीन है। और कुछ कह रहे हैं कि हमारे तो चलते ही नहीं है। तो सारी की सारी जितनी मुझे दोस्तों बातें पता है, मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगी क्या, और उनमें से फिर आप देख लेना आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक बार वो इलाज भी करके देखना। तो बिल्कुल दोस्तों, ये गर्मियों का इतना बढ़िया पौधा है कि आप इसको जहां मर्जी लगाओ। तो मैंने भी देखो ये छोटी छोटी सी बास्केट में ही लगा रखे हैं और अब फ्लावरिंग भी होनी इस पर शुरू हो गई है। और छोटी छोटी बॉटल्स में जो घर में आती हैं कोल्ड ड्रिंक की, उनको भी कट कर करके और डिजाइनिंग करके, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है ना, कलरफुल बना बना के, उसमें अगर आप ये प्लांट्स लगाते हो तो बहुत सुंदर भी देखने में लगते हैं और आपका घर भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, है ना। और बिल्कुल दोस्तों, ये हमेशा रहने वाला प्लांट है। भले ही ज़्यादा जब सर्दियाँ आती हैं तब ये फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके पास ये प्लांट हमेशा बना रहता है। क्योंकि मैं दोस्तों हमेशा क्या करती हूँ, जब ये ज़्यादा फैल जाता है गर्मी के एंड तक, जब तक सर्दियाँ नहीं आती, बहुत बिल्कुल फैल जाएंगे हर गमले में ये, तब मैं इनकी कटाई छटाई कर देती हूँ। और फिर जैसे ही मार्च का मौसम आता है, बाहर का मौसम आता है, तब ये दोबारा से अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और ये सारे के सारे दोस्तों मेरे बहुत सालों पहले वाले प्लांट हैं जिनकी की मैं कटाई छटाई कर देती हूँ। और दोस्तों हर मतलब सीजन में मैं ही सोचती हूँ कि जो मेरे पास कलर है उससे और भी ज़्यादा अच्छे कलर हो मेरे पास, क्योंकि इसमें दोस्तों इतने सारे सुंदर सुंदर कलर आते हैं पोर्चुलाका में। तो और जब भी मैं दोस्तों गर्मियों में कहीं घूमने जाती हूँ तो सोचती हूँ कि यहाँ ये अलग वैरायटी है, वहाँ से वो लेके आती हूँ, फिर अपने गार्डन में उसको ग्रो करती हूँ और उसे बचाने की भी कोशिश करती हूँ जब इसका रेस्ट वाला टाइम आता है। और ये आप देख ही रहे हो कितने छोटे छोटे से डब्बों में भी मैंने उगा रखे हैं ये। तो आते हैं दोस्तों इसकी सॉइल के ऊपर। इसको दोस्तों ज़्यादातर पोरस मिट्टी पसंद है। सबसे पहली बात है, सुकुलेंट की कोई भी वैरायटी होगी उसको पोरस मिट्टी पसंद होती है। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों में ही दोस्तों इतना सारा मॉइस्चर है। यह देख रहे हैं आप किसकी मोटी मोटी पत्तियां, है ना, इनमें ही इतना मॉइस्चर भरा हुआ है कि अगर आप इसको सॉलिड वाली मिट्टी दोगे, चिकनी मिट्टी दोगे, तो उसमें पानी रुकेगा और ये प्लांट आपका गलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला तो अपना यही सॉइल मिक्सचर ही देख लो, अगर जिसके खराब हो रहे हैं। अगर आपने हार्ड मिट्टी में इसको लगा रखा है तो बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों। कई बार हम नदी के किनारों वाले इलाकों में जैसे जाते हैं, हरिद्वार वगैरह की साइड, वहां आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हैं, ऑफिसेस वगैरह में, होटल वगैरह में जहां रुकते हो देखते हो, वहां उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो रिवर साइड वाली मिट्टी होती है ना, तो उसमें वो बहुत सुंदर चलते हैं। और वहां का तो जल भी दोस्तों ठंडा होता है। चलो वो तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन कम से कम मिट्टी तो इसकी ऐसी बना सकते हैं कि इसकी रूट अच्छे से डिवेलप हो। और पानी की मैं बता रही हूँ, इसको बहुत हल्की सी जरूरत होती है, हल्की सी वाटरिंग करनी होती है। और चाहे आप इसे छोटे छोटे डब्बों में लगा दो, गमलों में लगा दो, तो ये बहुत अच्छा चलता है। और अब आते हैं दोस्तों इसकी समस्या के ऊपर। जैसे आप कह रहे हो इसके बर्ड्स नहीं बन रहे या मतलब आपका प्लांट ग्रीन है, तो दोस्तों हो सकता है आपने इसकी कटाई छटाई ना की हो। इसको दोस्तों प्लांट को आपको घना बनाने के लिए रेगुलर प्रूनिंग की भी जरूरत होती है। वो चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ। वो क्यों लगाती हूँ? ताकि जो पुराने वाली कटिंग है, एक सिंगल डंडी है, वहां से तीन चार ब्रांचेस निकलती हैं दोस्तों।
अगर आपने एक कट मारा तो देखो वो कटिंग भी आपकी काम आ गई दूसरा प्लांट बनाने के लिए, और जहां पे आपने कट मारा वहां से तीन चार ब्रांचेस निकलेंगी, आपका जो प्लांट है वो भी घना हो जाएगा, और दूसरा जिस मकसद से आपने जिस भी प्लांटर में इसको लगाया है वो एरिया भी बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। तो ये देखो जो भी अभी सुबह सुबह कलर खिले हुए हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा ध्यान देके इस प्लांट को लगाना है और शावरिंग करके इसमें पानी देना है, मट्टी इसकी पोरस बना के रखनी है, सनी लोकेशन में रखना है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में लगा दोगे, शेड में लगा दोगे या अंदर विंडो में लगाओगे तो दोस्तों ये नहीं चलेगा, इसको प्रॉपर सनलाइट की जरूरत है। जैसे ही सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं या सुबह सुबह जैसे ही दिन निकलता है एक ब्राइट सा, तभी इसके फूल धीरे 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 खिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको साइड में रख दोगे, इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दोगे तो ये फूल नहीं खिलेंगे, और ये मैं अपनी नॉलेज से ही बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ जहाँ फूल खिलने शुरू हुए हैं ना, यहाँ बहुत सनी लोकेशन है, और जहाँ मैंने दूसरी तरफ ये प्लांट हैंग कर करके टांग रखे उसमें मैंने कटिंग लगा रखी है, वहाँ अब तक फूल नहीं खिले हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाती है सूर्य की, और वहाँ इतनी सूर्य की किरणें भी नहीं पड़ती, और यहाँ जहाँ ज़्यादा धूप रहती है ये जल्दी से फ्लावरिंग पे भी आ गए हैं। तो ये समझ लो जल्दी अगर इसकी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको धूप में रखना है आपने, और बिल्कुल सनी लोकेशन में रखना है दोस्तों। इससे बढ़िया प्लांट समर का फूलों वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोस्तों ऐसा प्लांट है जिसको कि आप बिल्कुल एक लो बजट प्लांट है ये, जिसको कि आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है, किसी आपको बाहर से गमले लाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें अपनी सोयल मिक्सचर तैयार करो और इसकी कटिंग काट काट के लगा दो और जहां मर्जी हैंग करो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों सुबह 7 बजे से ही फूल खिलना इसके शुरू हो जाते हैं और शाम के 5-6 बजे तक आराम से खिले रहते हैं। और उसी तरीके का प्लांट है दोस्तों अपना ये एक बेबी सनरोज है ना, इसमें भी इसी तरह से फूल आते रहते हैं छोटे छोटे से, मतलब दिखने में इतने मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगते ये, लेकिन ये छोटे छोटे फूल आते रहते हैं इसमें, ये देख लो आप, मतलब जितने उसमें पर्सलेन और पोर्चुलका में बड़ी ब्राइट सी शेड आती है उतनी नहीं आती इसमें, लेकिन आपने सोयल मिक्सचर उसका भी ऐसे ही तैयार करना है। तो कई मेरे बहन भाइयों ने पूछा था कि हम हैंगिंग बास्केट में कौन से प्लांट लगा सकते हैं, तो ये सारे के सारे वही प्लांट हैं जो आप छोटी से छोटी बोतल में लगा सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों में लगा सकते हो, अपनी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, और ये आपकी हैंगिंग बास्केट को बहुत अच्छे से कवर भी करेंगे, और नीचे नीचे जैसे आप देख रहे हो हैंग करके लटक रहे हैं ना हैंगिंग बास्केट से, मतलब जिसका नाम ही हैंगिंग बास्केट हो गया, वो दोस्तों खुद भी हैंग होनी चाहिए और उसमें से प्लांट लटकते हुए भी बाहर होने चाहिए। मेरा मतलब यही होता है हैंगिंग बास्केट से कि आपकी सारी की सारी बास्केट को वो कवर कर ले। तो उम्मीद है ना आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और दोस्तों इसमें कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती किसी भी तरीके से, जैसे ही बाहर का मौसम आता है इसके प्लांट अपने आप ही तैयार होना शुरू हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी जड़ अगर मिट्टी में इसकी रह गई होगी ना, तब भी मतलब ये समझ लो आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और मेरे सारे पिछले साल वाले प्लांट है दोस्तों, मुझे खुद भी नहीं पता था कौन कौन से फूल खिलेंगे, लेकिन अब जी ये देखिए जैसे जैसे नए नए रंग खिलते चले जा रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो सेव हो गए, क्योंकि ये वाली दोस्तों जो वैरायटी है ना पोर्चुलाका की, ये इंग्लिश वैरायटी है, तो इसका थोड़ा सा बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने जड़ इसकी रखी हुई थी मिट्टी में, और ये देखो दोबारा से प्लांट भी तैयार हो गए हैं। तो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, और जब भी आप गर्मियों में कहीं घूमने जाएं तो अपना देख लें आपके पास कौन से कलर हैं, कौन से आपने लेके आने हैं, तो वहाँ से अगर आप पेपर में न्यूज़पेपर में रैप करके, जैसा कि मैं लेके आती हूँ न्यूज़पेपर में रैप करके, इसकी कटिंग्स ला के अपने गमलों में लगा दो, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ हर बार, और मैं आपको दिखाती भी हूँ, पीछे भी मैंने वीडियो दिखाया था जब मैं पीछे घूमने गई थी, तो मैं बहुत सारे कलर के लेके आई थी और फिर मैंने लगा के भी दिखाए थे कितने सुंदर लग रहे थे। तो बस अब इस बात का ध्यान रखना, कहीं घूमने जाओ जहाँ भी ये प्लांट लगे उसकी कटिंग कलेक्ट करना अलग अलग रंगों की और फिर ला के लगा देना, और बहुत आसानी से लगते हैं रोज से प्लांट। तो बस, और एक आखिर में जाते हुए टिप है आपके लिए कि सभी प्लांट को प्लीज़ प्लीज़ ग्रुप बना के रखो, तभी आपके प्लांट सेव रहेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपने इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दिए हैं या साइड में रख दिए हैं तो मर जाएंगे प्लांट, क्योंकि लू इतनी चली हुई है आजकल, टेम्परेचर इतना हाई गया हुआ है,
जो कई लोग ठंडे इलाकों के उनके लिए नहीं है, लेकिन जो हमारे इस साइड की बेल्ट है वहां तो खूब 40 के पार गया हुआ है। तो प्लांट तभी एक दूसरे को सेव रख पाएंगे जब आप उनको ग्रुप में रखोगे, चाहे वो आपके जैसे मर्जी प्लांट है। कितना ही समर समर कोई बोले, अगर आप प्लांट का ग्रुप बना के नहीं रखोगे तो आपके प्लांट डेड हो जाएंगे दोस्तों। और बरसात भर तो कम से कम इनको बचा के रखो, है ना। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी जो मुझे आज पोर्चुलका पे और पोर्सलेन पे बतानी थी। तो आप देख लो क्या कमी रहेगी आपसे। और बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, सुंदर सुंदर प्लांट लगाओ। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कई लोग थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं अगर कोई प्लांट उनका नहीं चलता, कोई बात नहीं, हमारा लगाने से मतलब है ना। आपने एक्सपीरियंस तो लिया ना कि आपने क्या गलती की जो है वो प्लांट मर गया, अब आप दोबारा सावधानी से लगाओगे, है ना। तो बिल्कुल नए नए प्लांट लगाते रहो, ये कोई दोस्तों मरने वाला शौक नहीं है, है ना। तो बिल्कुल धीरे 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 अपने आप हाथ साफ होता चला जाएगा, अपने आप एक प्लांट की नॉलेज होती चली जाएगी जब आप उसको लगाना शुरू करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे। और दोस्तों नेचर से ज़्यादा रिफ्रेशिंग चीज़ कोई भी नहीं है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो बस इसी तरह से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाते रहो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।